श्री राम समर्थ मई 24। नाम को प्राणों के साथ संभाले, हमें यह जिह्वा दी गई है उसका उपयोग यदि हम नामस्मरण करने के सिवाय और कुछ करने में करेंगे तो क्या वह ठीक होगा? जो करने से भगवान की प्राप्ति होगी वह न करके और बातें करने में समय व्यतीत करे तो काम कैसे होगा? तुम अभी पढ़ते हो, पढ़ने के लिए किताबें खरीदी हैं, उन किताबों को अगर सिरहाने रखने लगे तो क्या पढ़ाई होगी? इसलिए कहता हूँ, हमें जिह्वा दी गई है तो उसका नामस्मरण करने में उपयोग करो। अच्छा स्वास्थ्य भगवान ने तुम्हें दिया है, तगड़े मजबूत पांव हैं, उनका उपयोग यदि भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं किया गया तो पांव न होते तो क्या हर्ज था? तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष ब्रह्मानंद महाराज श्री ब्रह्मचैतन्य महाराज के सर्वोत्तम शिष्य का उदाहरण है, फिर भी ऐसा क्यों करते हो? उन्होंने क्या किया? नामस्मरण के सिवाय उन्होंने कुछ भी नहीं किया। नाम को उन्होंने प्राणों के साथ संभाला। तुम उतना प्रेम नाम के लिए नहीं कर पाते तो कम से कम जितना प्रेम तुम अपनी देह के लिए करते हो उतना तो नाम के लिए करो। इन दिनों कलिकाल का एक एक दिन भगवान के प्रति हमारा भाव नष्ट करने का कारण हो रहा है। जो भी हो, इस समय हमें अपने को संभालना चाहिए। यदि अश्रद्धा उत्पन्न होगी तो समझो हमारा पाप ही बाधा हो रहा है, और उस समय नामस्मरण करते रहो। मुझ पर व्यवहार की दृष्टि से चाहे विश्वास मत रखो, मैं जो नामस्मरण करने को कहता हूँ उस पर जरूर विश्वास करो। नाम का व्यवहार में उपयोग मत करो। नामस्मरण नाम के लिए ही करते जाओ, तभी उससे सच्चा आनंद मिलेगा। दिन में नामस्मरण के लिए कितना समय बिताया इसका प्रतिदिन विचार करते जाओ, और नामस्मरण के लिए कुछ न कुछ समय निश्चय ही व्यतीत करो। फलतः विश्वास बढ़ता जाएगा, सच्चा संतोष तुम्हें नाम से ही मिलेगा। भगवान का नाम स्वयंभू और स्वाभाविक है। नाम के बारे में संदेह अथवा विकल्प निर्माण होंगे तब भी वैसे ही आग्रह से उसे लेते रहो, तब सारे संशय अपने आप गायब हो जाएंगे। सचमुच भगवान का नाम बैंक में जमा किए हुए पैसों की तरह है, मौका आने पर वह खास काम आता है। विकल्पों के उच्चाटन की असली चावी यदि कोई है तो वह केवल भगवान का नाम ही है। भगवान की शरण में जाकर लगन से ऐसी प्रार्थना करें कि हे भगवान, तुम्हारे नाम के लिए मेरे मन में प्रेम पैदा करो। तब उसके प्रति अपने आप प्रेम बढ़ेगा और भगवान का सच्चा दर्शन होगा। वासना के कारण मेरे आनंद का भंग होता है, मतलब वासना मेरे आनंद को चुराती है। जिस संतोष के लिए मैं अथक परिश्रम कर रहा हूँ वह संतोष ही वासना भगा ले जाती है। नामस्मरण के कारण वासना को योग्य दिशा प्राप्त होती है, अर्थात वासना का क्षय होता रहता है। इसलिए निरंतर नामस्मरण करते रहना चाहिए, जिससे धीरे धीरे वासना का अंत होगा और केवल आनंद ही हमें प्राप्त होगा। आज का मुख्य विचार, अपनी जबान को नाम की आदत डालनी चाहिए। शुरू शुरू में भूल हो सकती है, लेकिन बाद में अपने आप स्मरण होगा। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।
Mm-hmm.